आज दशहरा है। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको अपने बचपन के दशहरे की याद दिलाना चाहेंगे। वो भी क्या दौर था। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ पर गाँव में मैंने अपना दशहरा मनाया है। दशहरा को लेकर बहुत एक्साइटमेंट रहती थी। छुट्टियाँ होंगी, घूमने जाएंगे, रात भर मेला घूमेंगे, अलग अलग चीज़ें खाने को मिलेंगे, अलग अलग खिलौने खरीदे जाएंगे और सबसे बड़ी बात, दोस्तों के साथ देर रात तक घूमेंगे और कोई बोलेगा भी नहीं। लेकिन सच कहूँ तो मुझे सबसे अधिक एक्साइटमेंट इन सब चीज़ों से ज़्यादा VCR को लेकर रहती थी। तब सबके घर TV नहीं होता था, टेलीविज़न सबके यहाँ नहीं होता था, किसी किसी के घर गाँव में इक्का दुक्का किसी के घर होता था, तो वो भी सिर्फ दूरदर्शन के भरोसे। दूरदर्शन पर कभी कभार कोई फिल्म आ जाती थी तो वो देख लिया करते थे। तब CD प्लेयर का ज़माना एकदम नया नया था, लेकिन VCR अपने पॉपुलैरिटी के चरम पर था, क्योंकि VCR तब महंगा आता था तो लोग किराए पर लेकर आते थे और गांवों में फिल्में चला करती थी। तो दशहरा के समय जो पंडाल बैठाए जाते थे वहां पर इसकी व्यवस्था की जाती थी, पंडाल से थोड़ा सा दूरी पर, ताकि भक्ति भाव भी बना रहे। हालांकि फिल्में भी वहां पर उसी तरह की चलती थी जैसे भक्ति फिल्में या फिर देशभक्ति फिल्में, उदाहरण के लिए सनी देओल की इंडियन, माँ तुझे सलाम, इस तरह की फिल्में चला करती थी और सबसे पहले वही चलती थी। चाहे आपने उसको 10 बार देखी हो, लेकिन सबसे पहले आपको इंडियन, माँ तुझे सलाम, दिल परदेसी हो गया, इसी तरह की फिल्में देखनी पड़ती थी। लेकिन आप उसे कितनी बार भी देखें, लेकिन जब उस तरह से सामूहिक रूप में आप देखेंगे तो वह आपको फिल्म उतनी ही एक्साइटेड करेगी जितना कभी पहले करती थी। वो एक तरह से ओपन सिनेमा हॉल जैसा माहौल होता था, जहां भीड़ तो होती थी लेकिन कोई फीस नहीं होती थी, कोई टिकट नहीं होता था, ना ही कोई सीट निर्धारित होती थी। जो गांव के थोड़े बहुत प्रभावशाली लोग थे वो आगे बैठ जाते थे, या तो उनको आगे बैठा दिया जाता था या फिर वो जो आगे बैठे रहते थे उनको पीछे भेज कर खुद उनकी जगह विराजमान हो जाते थे, और बाकी लोग अपने साथ कुछ बैठने का बोरा चट्टी जैसा कोई सामान लेकर आए रहते थे, अपना उसी पर आसन जमा लेते थे। फिर रात के 2 बजे 3 बजे तक, जब तक उनको नींद अपने आगोश में न लेने लगे, तब तक वो आराम से फिल्में देखते थे। कोई भेद नहीं था उसमें, न तो लिंग आधारित कोई भेद, महिलाएं भी पुरुष भी, न तो उम्र की कोई बाध्यता, 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक उस समय फिल्म देखने आते थे। और ये सब जिस सामूहिकता से होता था वो आजकल दुर्लभ है। अब तो एक घर में ही कई सारी टीवियां लगी हुई हैं, अलग अलग कमरों में अलग अलग टेलीविजन है, लेकिन उस समय पूरा गांव मिलकर एक TV पर फिल्में देखता था। और जिस तरह से वहां पेशेंस के साथ गाने से लेकर और पूरी फिल्म की क्लाइमेक्स तक देखी जाती थी, वो आजकल के समय में दुर्लभ है। आज तो लोग सेकेंड्स में रील देखकर स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन वहाँ 3-3 घंटे तक बैठकर फिल्में देखते थे और उसी एक्साइटमेंट से देखते थे जिस एक्साइटमेंट से पिछले दिनों देखी थी। वो बचपन की यादें आज की जनरेशन शायद ना समझ पाए, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो 90s के दशक के या फिर उसके पहले के। अब जो 20s के बाद की जनरेशन है, उन्हें तो समय से स्मार्टफोन मिल गया, उसमें आसानी से जब चाहे वेब सीरीज देख लिया, रील्स देख लिया, लेकिन जो यादें बचपन की 90s के किड्स के साथ हैं, जो दशहरा उन्होंने मनाया है, जिस तरह से उन्होंने दशहरे को सेलिब्रेट किया है, चाहे वो जिस भी स्तर से हो, शहरों में रहने वाले लोग या गांव में रहने वाले लोग, वो आजकल दुर्लभ है। तो आप भी अगर बचपन में आपने यादगार दशहरा मनाया है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कैसे दशहरा मनाया था या कैसे मनाते थे, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करिए जिसके साथ आप रात भर दशहरे का मेला घूमा करते थे। और अंत में आप सभी को अहंकार पर सच्चाई की जीत के प्रतीक इस दशहरा यानी विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।